यादव ब्लॉग गाइस, कैसे हो आप सब मेरे जिगर के छल्लो। और ये आज हमारे पास आई है स्विफ्ट गाड़ी, जो मेरे भाई है अभिषेक भैया उनकी गाड़ी है। देख सकते हो कितनी बेहतरीन ही गाड़ी लग रही है, ये आपके सामने है। 17 इंच मेरे भाई ने इसके अंदर एलॉय टिकवा रखे हैं। दीज आर फ्रॉम X2 फ्रॉम मरकरी करोलबाग। और ये टॉप ट्रिम है गाइस, मैं सबसे बड़ा उन बंदों का फैन हूँ जो टॉप ट्रिम लेके मॉडिफाई करते हैं। इस टाइप के मॉडिफायर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि हम आगे आना चाहेंगे, ये मेरे भाई ने, ये कुछ कार है, और जो मेरे भाई हैं उनके फादर काफ़ी हाई पोस्ट में, इस वजह से स्टिकर लगा हुआ है भाई के पास। और ये मेरा भाई एडवोकेट है, मेरे साथ ही पास आउट है, अभिषेक भैया है मेरे भाई का नाम। तो जैसे कि आप आगे आना चाहेंगे, ये देखिए मेरे भाई की गाड़ी कितनी बेहतरीन लग रही है। ये भाई ने काले शीशे करवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनली चलती है, हम इसको भाग। तो जैसा कि ये देख सकते हो काले शीशे लगा रखे हैं भाई के अंदर, कोई नहीं है, अपने लोकल में गाड़ी चलती है गाइस। ये अपने पर्सनली यूज के लिए, भाई के पास दो और भी गाड़ियां हैं यूज करने के लिए। तो ये पेपी इंजन के लिए एक पेपी कार बना रखी है मेरे भाई ने, कि आसपास अपने कॉलोनी वलोनी की साइड आसपास घूमने के लिए। पैसा बहुत है गाइस दहियाओं के पास, आपको जैसा कि पता है। तो ये कुछ गाड़ी बना रखी है अपने, 17 इंच इसके अंदर अलॉय व्हील है। और गाइस टॉप मॉडल के अंदर 17 इंच अलॉय व्हील होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। मैं छोटे मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, जो करोलबाग में जाके चीप सामान लगवा के उसको टॉप मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, आई डोंट दिस पर्सनली। सो ये देख सकते हो कितने ही बेहतरीन अलॉय लग रहे हैं। ये टॉप मॉडल है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ZXIA। लोग क्या करते हैं, VXI उठा लेते हैं, हार्डली LXI उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी चीज कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ज्यादा भद्दी लगती है कहीं ना कहीं। तो ये देखिए गाइस, ये टॉप ट्रिम कैसे है मैं आपको बताऊं। ये देखिए इसके पीछे डिफॉगर्स हैं, ठीक है। ये अपना वाइपर है, बैक वाइपर, ये हमारे टॉप मॉडल की निशानी है। ये मेरे भाई ने अलग से लगवाया है, शायद ये बाहर से लगवाया है, और बहुत अच्छी समराय क्वालिटी का है, फाइबर का है, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप कंप्लीट ओवरलुक देख सकते हो, जैसे कि आप आगे आना चाहोगे, ये मैं गाड़ी को दिखाऊं गाइस। ZXI प्लस में और ZXI में खाली एक अंतर है, खाली इन लाइट्स का, दैट्स इट। और एक अंदर सिस्टम का, वो मेरा भाई पर्सनली चाहता नहीं था क्योंकि उसको हाईफाई सिस्टम लगवाना है अभी इसके अंदर, और लगवा रखा है हमने। हेड यूनिट पहले बदलवा रखी थी पायनियर की, अब वो फिर लग जाएगी कुछ टाइम में, आपको पायनियर की हेड यूनिट भी दिख जाएगी इस गाड़ी के अंदर। तो जैसे कि आगे आना चाहेंगे मेरे भाई, ये देखिए बस इतना अंतर है गाइस ये, और ये हम बहुत जल्दी ZXI प्लस वाली इसके अंदर इंस्टॉल करवाने वाले हैं। उसके बाद इस गाड़ी में कोई कमी नहीं रह जाएगी गाइस, जैसे कि ये पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ आती है। और बहुत पर्सनली मुझे दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया कार जो लगती है अपने मॉडिफायर्स के लिए, वो है स्विफ्ट और i20। अब ऑल्ट्रोज मार्केट में आई है, लेकिन उससे पहले पोलो थी राइवल के अंदर, और अब जो पोलो का नया एडिशन आ रहा है गाइज, आप पागल हो जाओगे देख के। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे भाई ने ब्लैक करवा रखे हैं, ब्लैक आए नहीं थे कंपनी की तरफ से, ये मेरे भाई ने पेंट करवाए हैं। और ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को गाइस एक अच्छे मॉडिफायर की, कि सस्ता काम मत करवाओ, महंगा काम करवाओ वो लंबा टिकेगा, सस्ता काम करवाओगे 10 दिन टिकेगा। तो ये मेरे भाई ने पेंट करवा रखे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन लग रही है गाइस ये गाड़ी, बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रही है। तो ये मेरा भाई आ चुका है, अभिषेक दहिया, कैसे हो दहिया जी? बढ़िया बढ़िया। ये मेरे भाई की गाड़ी है, और ये मेरा कॉलेज का बहुत ही अजीज दोस्त है मेरा अभिषेक दहिया। तो दहिया जी क्या क्या लोडिंग करवा रखी है कुछ बताओ ग्राहकों को, बाहर से की करवाए हैं ऐसे टॉप मॉडल लेके, क्योंकि नीचे वाले मॉडल लेके तो आपको ही पता है दिल्ली में कितनी शोशाबाजी होती है। तो गाइज ये मेरे को पर्सनली दहिया की सबसे बढ़िया चीज लगी, कि अगले ने टॉप मॉडल लिया है, कोई चक्कर नहीं गाइज बेस को कन्वर्ट करवा के टॉप में। ये ऐसे मॉडिफायर्स पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं मार्केट के अंदर, और यही मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं सच बताऊं तो। तो दहिया जी बताओ इसके अंदर क्या क्या लगवा रखा है? इसमें हमने 17 इंचेस अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा रखे हैं। दे आर फ्रॉम मरकरी टायर्स करोलबाग, ओके। और ये क्या कॉस्ट पड़े थे दहिया जी आपको? ये मुझे टायर और अलॉय दोनों मिला के 48 के पड़े थे। 48 के पड़े थे, जैसे कि ये दहिया जी टायर मेरे ख्याल से ताइवान का है या फिर किसी उसका है? टायर वैसे ये ट्रायंगल कंपनी का है। ट्रायंगल कंपनी, ट्रायंगल कंपनी आप सारे ही जानते हो गाइस, उसका मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई करोलबाग में आता ही रहता है। तो जैसा कि ये गाड़ी है मेरे भाई की कितनी बेहतरीन लग रही है, और दहिया जी इसके अंदर कितने ये 17 इंच और टायर प्रोफाइल एक बार आप मुझे बता दो। तो इसकी टायर प्रोफाइल है 215/45R17। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाइस, ये है इसकी टायर वेट, और बहुत ही बेहतरीन लग रही है गाइस, मैं क्या अपने शब्दों में बता नहीं सकता। एक टॉप गाड़ी लेके ऐसे मॉडिफाई करवाना बहुत अच्छी है। ये अपने भाई देखो यहाँ पे गाड़ी सीख रहे हैं, फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं।
लेकिन सिस्टम इनने बेमतलब बजा रखा है खाली ग्राउंड में। तो ये अपनी स्विफ्ट गाइस, देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है ये गाड़ी। और ये मेरा भाई अभिषेक दहिया। सो रफ्तार यादव ब्लॉग, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये टॉप मॉडल ट्रिम है गाइज, ऑटोमेटिक इसके अंदर एसी लगा हुआ है। अगर मेरा भाई दिखाना चाहेगा तो ये देखिए टॉप मॉडल गाड़ी है। ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को गाड़ियों के अंदर कि टॉप मॉडल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और स्विफ्ट एक इकलौती गाड़ी है जिसका इतना पैपी और स्टाइलिश ये व्हाट यू कॉल इट एसी कंट्रोलर इतना बढ़िया आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक है ये पूरा। और जैसे कि मेरा भाई इधर मेरी तरफ लाएगा इसको, अगर मैं इनसे लेना चाहूं तो गाइज ये देखिए कितनी बेहतरीन है टॉप मॉडल। और ये चीजें आपको बेस मॉडल में कभी नहीं मिलेंगी, ये एक कड़वा सच है जो आप बाहर से भी नहीं करवा सकते इस गाड़ी को, कहीं से भी नहीं करवा सकते इस टाइप का। और ये जैसा कि आप देख सकते हो ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है अपना, ये टॉप मॉडल है मेरे भाई की गाड़ी। तो दैया जी अंदर थोड़ा म्यूजिक सिस्टम के बारे में क्या बता रहे थे, बड़ा हैवी म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है इसके अंदर। ज्यादा नहीं मगर जितना हमारे को बजट के हिसाब से ठीक लगा हमने करा लिया। नहीं नहीं नहीं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा दैया जी ये गाड़ी का जो आपका सिस्टम है। मैं ये गाने की वीडियो ही पूरी इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा कि हमने कैसे बजाया है कैसे नहीं बजाया, और ज्यादा लाउड नहीं बजाया गाइस क्योंकि दैया जी के हम सोसाइटी के अंदर थे और ऐसे अच्छा नहीं लगता ज्यादा लाउड बजाना, अदरवाइज ये बहुत लाउड सिस्टम है। ये हम अभी आपको बाहर कहीं शूट करके दिखा देंगे। तो ये है अपना, ये हम चेंज करवा के अभी पाइनी डलवा रहे हैं जी, जी, है ना। तो भाई का डीएसपी वाला मॉडल मैं ले चुका हूँ, और जैसे कि पता चले ये थोड़ा सा फोन आ गया था हमारे पास, ये भाई का डीएसपी मॉडल मैं ले चुका हूँ और भाई को मैं अपना वाला पाइनियर दे रहा हूँ, तो वो लगेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आप अभी तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच है, लेकिन उसके लगने के बाद भी हम एक इसकी शॉट बना के डालेंगे यूट्यूब शॉट की कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई है इसकी वो, क्योंकि पायनियर से ऊपर आपको ही पता है इस इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है। पायनियर का कंपेटिटिव मैं कैनवुड को समझता था जो कि आज इंडिया से जा चुका है गाइज, और कोई फायदा नहीं है अब उसको याद करने का। सो सॉरी फॉर कैनवुड। तो ये है मेरी गाड़ी अंदर से, भाई की गाड़ी जो है ये देखिए ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक बंद भी हो जाते हैं। ये देखिए खुल गए। कितनी बेहतरीन गाड़ी लग रही है गाइज, ये टॉप मॉडल लो गाइज, क्या रखा है LXi लेके, और अपने उसके बाद में उसके पे पैसे खर्च करने और आखिरी में सेटिस्फेक्शन मिलना नहीं, किसी बाहर वाले ने बोल देना है मुंह पे कि भाई बेस मॉडल ले रखी है क्यों दैया जी, सही कह रहा हूँ। तो ये अपने कुछ प्यारे से भाई की गाड़ी, प्यारी प्यारी गाड़ी, और बहुत ही प्यार करता है अपनी गाड़ियों से, और मैं पर्सनली उन बंदों को रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करें, क्योंकि अगर आप गाड़ियों से प्यार करोगे रास्तों पे वो आपसे प्यार करेगी। कहा सही नहीं कहा दैया जी? तो ये है अपनी गाड़ी स्विफ्ट अंदर से, जैसे कि ये सारे फीचर्स टॉप मॉडल के आप जानते ही हो। अभी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही यूनिक है गाइस, कहाँ मिलेगा बेस मॉडल में ये सब, कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला। लोग करोल बाग से टिकवा तो लेते हैं लेकिन होता क्या है, आखिरी में ग्लिच आती है, 100 चीजें आती हैं। सो गाइस मैं पर्सनली चाहता हूँ कि टॉप मॉडल लें लोग और फिर उसके बाद अपने टेस्टफुली मॉडिफाई करवाएं उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सेंसर्स हैं इसके अंदर स्विफ्ट का गाइस, सारे आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाई एंड सिस्टम एंड मॉडिफाइड कार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें। दैया जी एक और बार अपनी आईडी बताओ कि मेरे भाई सारे आपसे कनेक्ट हो पाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अभिषेक दैया 97। तो ये मेरे भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारी म्यूजिक वाली वीडियो के अंदर भी भाई ने बताया है, तो जाके मेरे भाई को फॉलो करिए, इतना औसम कंटेंट लाता रहता है। ऐसी गाड़ियां भाई के पास बहुत हैं, गाड़ियों की स्टॉक की कमी नहीं है मेरे भाई के पास, एज यू नो दैया जी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, रफ्तार यादव ब्लॉग साइनिंग ऑफ। तो ये अपनी गाड़ी का सिस्टम, अगर मैं आपको आउटपुट सुनाऊं गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, मेरे को चलाने में पर्सनली इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाइस, ये ट्राइन चलने के बाद भी इसका जो कंफर्ट है वो कहीं नहीं गया अपनी गाड़ी का।
ठीक है, ये थोड़े से जो होल्स आ जाते हैं वो थोड़ा हम रेडिसन के पास शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाड़ी चलाने में भी बहुत बेहतरीन है गाइज, ये जो अपनी सीट बेल्ट की इसमें बज रही है उसके लिए माइंड मत करना। देख सकते हो आप चलाने में मुझे पूरा मजा आ रहा है इस गाड़ी को, कहीं से कहीं तक मैच नहीं है। कहाँ बेस मॉडल कहाँ टॉप मॉडल लोडिंग करवाओगे उसका भी अलग ही मजा आएगा टॉप मॉडल के। सो ये अपनी अंदर से चलाने में हल्का सा हम यहाँ पे हल्का सा इसका एक्सीलरेशन देखेंगे इस गाड़ी का, ये अभी देखते हैं। Amazing. ये थोड़ा सा बड़े स्पीड ब्रेकर है, ये देखिए गाइस टॉप मॉडल, ये देखिए गाइस। तो ये होता है टॉप मॉडल का फायदा, देख रहे हो मजे। मतलब बेस मॉडल गाइस मतलब, मेरा तो यही सजेशन है मत लो और अपने पैसे मट्टी मत करो करोल बाग में जाके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग। ये सिस्टम लगा हुआ है, दैया जी इधर आओ एक बार मेरे पास आप। ये दैया जी ने कुछ सिस्टम इंस्टॉल करवा रखा है, दैया जी अगर इधर आए तो हमें समझाएं इसके अंदर क्या क्या लगवा रखा है दैया जी आपने इसके अंदर। भाई ये JBL के ओवल स्पीकर हैं, ठीक है, अपने ओवल स्पीकर हैं इसमें, ठीक है, जो आगे फ्रंट डोर में कंपोनेंट लगे हैं MTX के। ठीक है, और ये कितना RMS प्ले हो रहा है अभी इन बूफर्स पे? इन बूफर्स पे भैया ये 1000 RMS है, क्लीन है, 1 ओम पे है। ठीक है ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम क्या क्या लोडिंग करवा चुके हैं इस ZXI वेरिएंट के अंदर? इसमें भैया ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वूफर लगे हुए हैं गाड़ी में, ठीक है, बाकी कुछ बेसिक एटमॉस्फेयर लाइट्स वगैरह लगा रखे हैं, बिल्कुल डिसेंट। और बाकी जैसा कि आप ये अलॉय देख सकते हो कितनी बेहतरीन लग रही है इसके साथ, इसका कितना बेहतरीन लुक आ रहा है। तो दैया जी और कुछ बताइए, MTX के चार आपके लगे हुए हैं इसके अंदर, कोएक्सल्स या फिर कंपोनेंट? कंपोनेंट लगा रखे हैं, और ठीक है, इनको आप प्ले करने के लिए किस पे प्ले कर रहे हो? इसको 4-channel एम्पलीफायर लगाया हुआ मैंने कंपोनेंट प्ले करने के लिए, ठीक है, मोनो एम्पलीफायर है वूफर प्ले करने के लिए। अच्छा, मोनो एम्पलीफायर कौन कौन सी कंपनी के लगाए हुए हैं? तो बेसिकली चाइनीज ही, मगर आउटपुट अच्छा है इनका। अच्छा चाइनीज, वो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, जैसे कि आप क्लैरिटी सुन पा रहे हो, ये हमारा MTX का है, दो ओवल बूफर लगवा रखे हैं भाई ने। और ये पेटी कहाँ से बनवाई थी आपने? ये पेटी भैया जिनसे बूफर लिए थे उन्होंने ही मेरे को दी थी। तो आपने ये सिस्टम सारा कहाँ से करवाया और क्या इसकी स्टोरी है कुछ बताइए हमें? एक्सपाइडर के ही जो ओनर है भाटिया जी हैं। हाँ जी, मेरे को ये बूफर सजेस्ट किए थे। ठीक है। हाँ। और बाकी स्पीकर्स की और ये सारी चॉइस आपकी थी? शालीमार बाग से, ठीक है ठीक है गाइस। शालीमार में कार की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहीं से ही भैया ने ये करवाई है गाड़ी। और जैसा कि मैं ये दिखा सकता हूँ आपको, इनमें ये JBL के कौन सा मॉडल है आपको याद हो तो मैं देख के बता सकता हूँ आपको, ये है A440 SI। जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके अंदर वो लगे हैं MTX के, इसके अंदर चारों व्हाट डू यू कॉल इट कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हैं गाइस। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे इस गाड़ी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। देखिए गाइस कितना ही बढ़िया सिस्टम है अपना, ये हमारे भाई अभिषेक भैया, दैया जी आ गए हैं हमारे पास। तो दैया भाई, अभिषेक भाई, क्या इसके अंदर कितनी लोडिंग करवा रखी है, क्या कॉस्ट आई आपकी, सारा आप हमें बताओ कि आपने कितना पैसा खर्च रखा है इस कार पे। भैया इसके म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 50,000 इसमें लगे हैं अभी तक। अच्छा। हाँ, और जो इसके अलॉय व्हील्स हैं इसमें भी मेरे को 48 के अराउंड 50 मान लीजिए। ये जहाँ तक मेरी आपसे बात हो रही थी उस टाइम पे आपने मरकरी से लगवाए, राइट जी, करोल बाग। ओके, तो ये 16 इंच है? 17 इंच है। ये 17 इंच है गाइस, लुक एट दिस, 17 इंच इन स्विफ्ट ZXI। ये कॉम्बिनेशन आपको
बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बेस मॉडल लेके और ये सब मॉड्स करवाते हैं। ये भाई ने मेरे टॉप मॉडल लेके ये सब मॉड करवा रखा है, तो अप्रिशिएट करें इस टाइप के मॉडिफायर्स को जो कार लेके और अच्छा मॉडल लेके उसके अंदर करोल बाग से चीप सामान नहीं लगवाते हैं और उसके बाद अपने टेस्टफुली मॉडिफाई करते हैं। तो एक इसके अंदर अभी मॉड और रह रहा है, जैसा कि जब धैया भाई इसकी टॉप मॉडल की लाइट्स लगवाने जाएगा, जब भी एक इसकी डेडिकेटेड वीडियो आएगी। सो गाइज, ये है हमारी स्विफ्ट और ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में बना रखी है धैया भाई ने। तो अभिषेक भाई अपना गाइज कितनी ही बेहतरीन लग रही है। ये भाई भी एडवोकेट ही हैं, मेरे साथ ही मेरे बैच के पास आउट हैं, मेरे बहुत अजीज भाई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव ब्लॉग्स।